नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में 41 मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। सबसे ज्यादा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ वो है रेट माइनिंग। वहीं झांसी के रेट माइनर ने ये कमाल कर दिया है। रेट माइनर का कहना है कि हमें टनल में जाने से डर नहीं लगता, यहाँ तो 800 mm की पाइप थी, हमने तो 600 mm के पाइप में घुसकर भी रेट माइनिंग कर ली है, ये तो रोज का काम है। ये कॉन्फिडेंस सही साबित हुआ क्योंकि सिर्फ 21 घंटों में हाथों से उनकी टीम ने करीब 12 से 13 मीटर खोद दिया। अब उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में 16 दिन से फंसे मजदूर बाहर आ गए हैं। मजदूरों और रेस्क्यू टीम के बीच 60 मीटर की दूरी थी। आपको बता दें कि 21 नवंबर को अमेरिकी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू हुई थी, लेकिन 25 नवंबर की सुबह करीब 47 मीटर पर मशीन जवाब दे गई। आगे की खुदाई की रेट माइनर्स की जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए रेट माइनर्स की टीम सिलक्यारा बुलाई गई। ये टीम रेस्क्यू ऑपरेशन की असली हीरो साबित हुए क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग ना सिर्फ खतरनाक थी बल्कि धीमी भी मानी जा रही थी। वहीं झांसी के रहने वाले प्रसादी लोधी ने बताया कि मैं 10 से 12 साल से रेट होल माइनिंग का काम कर रहा हूँ, दिल्ली और अहमदाबाद में काम करता हूँ, टनल में फंसे लोगों को निकालने का काम पहली बार किया है, मुझे डर नहीं है, ये तो मेरे रोज का काम है। फिलहाल सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। प्रतापगढ़ में शादी समारोह में मारपीट और बवाल मच गया। वहीं भगदड़ के दौरान कुएं में गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जिससे शादी का माहौल मातम में बदल गया। वहीं मारपीट के दौरान युवक को धक्का देकर कुएं में भी गिराने की चर्चा रही। आपको बता दें कि पूरा विवाद दो पक्षों में अश्लील गाना बजाने को लेकर हुआ था। विवाद के बाद धराती और बराती के बीच जमकर मारपीट हुई थी, जिससे बारात में जमकर अफरा तफरी मच गई। मामले को लेकर मौके पर पट्टी कोतवाली पुलिस पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला पट्टी कोतवाली के शेखपुर गांव का है। पीलीभीत के सहमराऊ थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर खुद्र निवासी महेंद्र कुमार का विवाह पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रघुनाथपुर निवासी भगवान दीन की पुत्री डाली देवी के साथ अप्रैल 2022 में हुआ था। ससुराल पक्ष के मुताबिक मंगलवार को डाली देवी की अचानक तबीयत खराब हो गई। ससुराल पक्ष वाले इलाज के लिए अस्पताल में ले गए, जहां विवाहिता की इलाज के दौरान देर रात मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मायके पक्ष में कोहराम मच गया। मृतका के मायके वाले ससुराल वालों पर पीट पीट कर विवाहिता की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पलटी दुई आई और तो कछु नहीं पलटी आई और एक दत्तु आई वो। अच्छा, कब आया, कब वो पलटी आई? परसों वाले दिन। अच्छा, फिर क्या हुआ, कहाँ ले गए थे इलाज के लिए? फिर इलाज के लिए यहाँ लेके पर हम गए, फिर नाई हलुकानी समय पीली भी तो कर लिए चले गए। अच्छा, हमने कही थोड़ी है कोई बात नहीं रहे, तो बुखार गर्मी ऐसे सवाई का ही जाता, हमने कही नहीं दिखाई ले छोटे डाक। आपके लड़के की बहू थी? हाँ। क्या नाम है आपके लड़के का? लड़के का महेंद्र। कहाँ शादी हुई थी महेंद्र की? महेंद्र की शादी भैया रघुनाथपुर से। अच्छा, अच्छा, महेंद्र की ससुराल वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, आपका क्या कहना है उसमें? हत्या आरोप जो लगा रहे, मेरे लड़के ने ही आपस से छाती में मारा है, जो सब गुलाग हो तो ऐसे करके दावा है, तभी मेरे बेटी के तब देखा दे करे जे खोद दे। अच्छा, ये अरे मतलब यहाँ दवाई लेते रहे और ले गए, उधर जानकारी नहीं मिली कि मतलब ऐसे इतनी जल्दी में ऐसे हो जाता है। मतलब क्या क्या बीमारी थी उनको? डेंगू बन गया एकदम, जब ले गए इधर दिखाया। अच्छा अच्छा, पलटी हुई। मतलब कहाँ ले गए थे इलाज के लिए? पूरनपुर ले गए पहले, फिर रेफर किया पीली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला अधिवक्ता संघ प्रयागराज का चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न कराया गया। सुबह 9 बजे से वोटिंग कराई जा रही थी, शाम 4:30 बजे तक मतदान हुआ।
जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष और मंत्री सहित 9 पदाधिकारियों और कार्यकारिणियों के 10 सदस्यों के लिए मतदान हुआ, जहां 5,972 मतदाता 122 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला लिया। मतदान के लिए कुल 20 बूथ बनाए गए थे। कुल 5,972 मतदाताओं में 1,171 आजीवन सदस्य हैं, जबकि 4,801 साधारण सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर कड़ी सुरक्षा के बीच सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मतदान कराया गया। अधिवक्ता हैं, यहाँ 5,500 से अधिक हैं और मतदाता करीब 114 के आसपास हैं। अध्यक्ष प्रत्याशी, संयुक्त मंत्री, मंत्री पद की प्रत्याशी, ये सब अपना दांव मतलब यहाँ पेश किए हैं अधिवक्ता के लिए। और पिछली बार के मुकाबले इस बार ये परिवर्तन हुआ, माननीय हाईकोर्ट के अगर आदेश के अनुसार ये था कि पिछली बार जो हम लोग प्रचार प्रसार में जो अत्यधिक पैसा खर्च हो गया था, चुनाव माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर हो रहा है। जितने भी पोलिंग बूथ अंदर बनाए गए हैं सबका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, सब पे सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हुए हैं, तो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है। ये चुनाव में सारे लोग, जितने भी अधिवक्ता बंधु हैं, मतदाता और जितने भी प्रत्याशी, सारे लोग या जो भी चुनाव अधिकारी हैं, सब शांतिपूर्ण ढंग से सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। चुनाव शांतिपूर्ण, मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है, जहां डॉक्टर अखलाक की जमानत पर सुनवाई टाली गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर अखलाक अतीक अहमद के बहनोई हैं। कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है। मामले की सुनवाई दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होगी। डॉक्टर अखलाक पर उमेश पाल हत्याकांड में मदद करने का आरोप है, साथ ही शूटर के फरार होने में मदद करने के भी आरोप लगे हैं। डॉक्टर अखलाक प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। खेत में चारा लेने को लेकर किसान का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। मृतक किसान लिभेरी गांव का रहने वाला है। सुबह तड़के खेत में पशुओं के लिए चारा लेने के लिए वो गया हुआ था। खेत में उसका शव मिलने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। फिलहाल मंगलोर कोतवाली के तमाम आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की है। वहीं फॉरेंसिक जांच के लिए एक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। ये दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी, वहां पे जो है एक व्यक्ति भरतपुर के जंगल में वहां पे कैजुअल्टी हुई है, ट्रैक्टर के नीचे है, टायर के नीचे। तो उस संबंध में सूचना पे जो है पुलिस मौके पर आई है और इसमें पंचायतनामा वगैरह कार्रवाई की जा रही है। जो भी फैक्ट पोस्टमार्टम वगैरह से सामने आएंगे उस आधार पे आगे कार्रवाई होगी। अब ये तो पोस्टमार्टम वगैरह के एक कार्रवाई के बाद बता पाएंगे। कोई लड़ाई झगड़ा किसी तरह? अभी कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह की बातें सामने नहीं आई और जो भी चीजें होगी पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगी। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राजेश गौतम ने बताया कि आज 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन यूपी के महामहिम राज्यपाल के नाम सौंपा गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि सहारनपुर में निवास कर रहे इंदिरा कैंप कॉलोनी राकेश सिनेमा के पीछे कंजर जाति, अनुसूचित जाति में आते हैं। इनके पहले भी जाति प्रमाण पत्र बने हुए हैं, अब अधिकारी नए प्रमाण पत्र बनाने के मोटी रकम मांगते हैं। हमारी मांग इनके जाति प्रमाण पत्र बनवाने के आदेश पारित किए जाने, तहसील बेहट के अंतर्गत आने वाले हिंडन नदी के चपेट में आने वाले गांव अब्दुल्लापुर, अम्बवाला, शेखपुरा, मुजाहिदपुर, सबीरपुर, फकरपुर गांव के किसानों की भूमि भारी वर्षा के कारण नदी में बह गई थी। नदी के दोनों किनारों पर पत्थर पेचिंग लगाए जाए, गन्ना का रुका हुआ पुराना भुगतान किसानों को दिलाया जाए, किसानों और मजदूरों का बिजली और बिल समस्त कर्जा माफ किया जाए, नवीन कृषि मंडी समिति सहारनपुर में मंडी में कार्यरत मजदूरों को 2 मासिक छुट्टी महीने की
15 और 30 तारीख अनिवार्य की जाए। डॉक्टर राजेश गौतम, राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन अम्बालता। हमने गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया है सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से। हमारी डिमांड है कि यहाँ सहारनपुर में एक तहसील पड़े भेट, पिछली बरसात के कारण, नदियों के कारण जमीन किसानों की बहुत बहगी नदियों में। तो हमारी मांग है गवर्नर साहब से, राज्यपाल जी से, कि वहाँ पर पेचिंग लगवाए जाए दोनों साइड में नदियों के। नंबर दूसरी मांग है, हमारे यहाँ एक ढेवा बिरादरी है जो शेड्यूल कास्ट में आवे, कंजर भी कहें कहीं कहीं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। तकनीक बेमिसाल, 3 साल शानदार, खबरों की रफ्तार जिससे है आपका सरोकार, अनुभव का साथ, पक्की खबर, सही खबर, खबरें जो बनती है आपकी पावर। देखने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज वर्ल्ड इंडिया ऐप। न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण और मेरे साथ मौजूद है हरीश असवाल जी। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इस 3 साल के सफर में एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, हमने न्यूज वर्ल्ड इंडिया ऐप लॉन्च किया है जिसके माध्यम से आप हमसे और आसानी से जुड़ सकते हैं। और इसके पीछे क्या मकसद है वो हरीश जी हमें बताएंगे। जी काजोल, इसमें हमारा मकसद बहुत साफ है, हम घर घर तक, गली गली तक इससे जुड़ना चाहते हैं, हर परिवार से हम जुड़ना चाहते हैं। इस परिवार के साथ जुड़कर उनकी समस्याएं, कोई भी उसके आसपास होने वाली समस्याएं, वो हम तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। जस्ट आप अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाएं और इसमें अपलोड कर दें, तो उससे अपलोड करने से पहले ऐप को डाउनलोड करें और घर बैठे आप रिपोर्टर बने। आपकी खबर अगर हुई बेहतरीन और किसी की हुई मदद, तो आपको हम इनाम भी देंगे। तो अभी डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया ऐप, यहाँ आपको हर तरह की खबर मिलेगी, आपके सरोकार की खबर मिलेगी। तो सोचिए मत, करिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया ऐप डाउनलोड और बनिए समाज की ताकत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीलीभीत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह को लेकर जिले में इस बार 460 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। बुधवार को पीलीभीत शहर के ड्रमट राजकीय इंटर कॉलेज में विवाह समारोह का आयोजन किया गया। व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने के लिए समाज कल्याण अधिकारी CDO सहित तमाम अधिकारी लगे हैं। वहीं शासन ने जिले में 1181 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का लक्ष्य दिया था। इस लक्ष्य को लेकर समाज कल्याण विभाग ने लोगों को जागरूक करने के साथ पंजीकरण कराने के निर्देश भी दिए थे। निर्देशों के तहत विभाग की ओर से प्रयास तो किए गए, लेकिन लक्ष्य के अनुसार पंजीकरण ही नहीं हो सका। आपको बता दें कि पीलीभीत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन के अंतर्गत 460 जोड़ा एक दूसरे को शुभ मुहूर्त में एक दूसरे के साथ परिणय सूत्र में बंधे रहे, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह ने बताया कि यूपी सरकार की ये कल्याणकारी योजना है, जिसके द्वारा गरीब से गरीब माँ बाप बेटियों के हाथ पीले करने का काम योगी सरकार कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में सरकार के द्वारा पीलीभीत के 1181 जोड़े का शादियों का लक्ष्य मिला था, रजिस्ट्रेशन पूरे ना होने पर जिले में कुल 460 जोड़े ही रजिस्ट्रेशन करवा पाए। ऐसे में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ लोग नहीं उठा सके। आज मांगलिक कार्य में 8 अल्पसंख्यक जोड़े सहित कुल 460 जोड़े एक दूसरे के साथ जीवन भर बंधन में बंधेंगे। वहीं शासन द्वारा तय लक्ष्य 1181 जोड़े का विवाह होना था, जो कि 460 जोड़े ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में शामिल हो सके, जो काफी कम है। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के निमित्त लगभग 460 जोड़ों का सामूहिक विवाह यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और मुझे लगता है कि हम पूरे जनपद के लिए बड़े सौभाग्य का और गरिमामय समय है कि एक साथ इतने सारे लोगों का विवाह एक पंडाल के एक छत के नीचे आज यह आयोजन हो रहा है। संभल में दमकल विभाग ने 20 मैथा फैक्ट्रियों को नोटिस दिया है।
ये मैंथा फैक्ट्रियां फायर विभाग की बगैर एनओसी के चल रही थी। मैंथा फैक्ट्रियों को नोटिस मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि फायर महकमे की बगैर एनओसी के सैकड़ों फैक्ट्रियां चल रही हैं। ये फैक्ट्रियां घनी आबादी के बीच अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। मामला संभल सदर कोतवाली इलाके का है। उत्तरकाशी टनल से सकुशल वापस निकले 41 मजदूरों को सरकार ने सेना के चीकू हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स में भेज दिया है। सभी मजदूर के स्वास्थ्य की गहन जांच और मानसिक परीक्षण के बाद मजदूरों को एम्स से छुट्टी मिल जाएगी। उत्तरकाशी से भारतीय सेना के चीकू हॉस्पिटल से उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों को ऋषिकेश एम्स में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लाया गया। एम्स में मजदूरों के आने से पहले तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। हेलीकॉप्टर जैसे ही एम्स हेलीपैड पर उतरा, एम्स के सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मोर्चा संभालते हुए फटाफट सभी मजदूरों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एम्बुलेंस और व्हीलचेयर के माध्यम से वार्ड में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम ने सभी मजदूरों को एक एक करके बातचीत की। फिलहाल डॉक्टरों की टीम का निष्कर्ष यही निकला है कि टनल से बाहर निकलने के बाद सभी मजदूर खुश और स्वास्थ्य में फिट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो इसके लिए उनके तमाम प्रकार के ब्लड सैंपल जांच के लिए लिए जा रहे हैं। मजदूरों की मानसिक स्थिति को देखने के लिए साइकाइट्रिस्ट डॉक्टरों की टीम भी मौके पर मौजूद है। डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने बताया कि जिस हिम्मत के साथ सभी मजदूरों ने 16 दिन टनल के अंदर बिताए हैं, वो मजदूरों के लिए तारीफ काबिल है। उन्होंने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। जांच में यदि किसी की रिपोर्ट में स्वास्थ्य को लेकर कुछ कमी मिलती है तो उसका उपचार किया जाएगा, नहीं तो सभी मजदूरों को छुट्टी दे दी जाएगी। सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया कर्मी भारत सरकार का शुक्रगुजार हूं, और खासकर जो हमारे श्रमिक हैं उनके लिए भी मैं उनके हौसले की काफी तारीफ करता हूं। अब आप पूछ सकते हैं आपके क्या सवाल है। देखिए इस तरीके से है, अभी हमारे पास अभी 10 मिनट पहले ही जो है पूरे 41 श्रमिक जो है हमारे पास आ गए हैं एम्स ऋषिकेश में। अभी हमने उनके लिए जो है अरेंजमेंट कर रखा है, 3 अलग अलग जगह पे कर रखा है। ने त्रिवेणी घाट पर मां गंगा का दुग्ध अभिषेक किया। मां गंगा का शुक्रिया अदा करते हुए मजदूरों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना भी की। बुधवार को जिलाध्यक्ष रविंद्र राणा के नेतृत्व में तमाम भाजपा एकत्रित होकर त्रिवेणी घाट पहुंचे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने त्रिवेणी घाट पर मां गंगा का दुग्ध अभिषेक किया। इस दौरान मां से उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों के सकुशल बाहर निकलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मां गंगा का शुक्रिया अदा किया। मां गंगा से मजदूरों की लंबी उम्र को लेकर प्रार्थना भी की। जिलाध्यक्ष रविंद्र राणा ने बताया कि जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार 41 मजदूरों को टनल में फंसने के बाद बाहर निकालने के प्रयास किए हैं, वो सराहनीय है। पूरा देश एकजुट होकर मजदूरों की कुशलता को लेकर अपने अपने ईस्ट से प्रार्थना भी करता रहा। उसी का नतीजा है कि आज तमाम सुरक्षा एजेंसियों की मदद से सभी मजदूरों को टनल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इसलिए मां गंगा का शुक्रिया अदा करने के लिए सभी भाजपा के कार्यकर्ता त्रिवेणी घाट पर पहुंचे हैं।
देश में लगातार हो रहे रेल हादसों में जहां कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, वहीं हाल में इटावा जिले में लगातार दो बार एक ही जगह पर ट्रेनों में दुर्घटनाओं को देखते हुए आरपीएफ इंजीनियरिंग विभाग और एनडीआरएफ एसीपी कैंट हरबंस माहौल और रेल बाजार थाने की पुलिस और बचाव राहत की टीम कानपुर नगर के चंद्री स्टेशन पर मॉकड्रिल न्यू कोचिंग सेंटर क्रॉसिंग के पास परीक्षण किया गया। वहीं कमांडेंट एनडीआरएफ अनिल पाल ने बताया कि एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर बनारस में है और कंपनी समय समय पर अभ्यास कराती रहती है और लोगों को होने वाली आपातकाल दुर्घटनाओं में लोगों को की जान कैसे बचाई जाए और दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य कर लोगों को राहत पहुंचाई जाए, इसके लिए काम किया जाता है। हरदोई जिले में शराब को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई, जिनमें एक पक्ष शराब विक्रेता था तो दूसरा शराब खरीदने वाला। दरअसल शराब का सेल्समैन शराब महंगी रेट पर बेच रहा था, जिसको लेकर विवाद हुआ। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ भी युवकों ने धक्का मुक्की की, जिसके बाद पांच युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के कुमटिया मिले में महंगी देशी शराब बेचने को लेकर सेल्समैन और शराब लेने वाले युवकों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। सूचना पर डायल 112 और मेले में तैनात पुलिसकर्मी पहुंचे। पुलिस मौके पर पहुंची तो युवकों को पकड़ने में पुलिस से विवाद होने पर अफरा तफरी के बीच पुलिस से धक्का मुक्की हुई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने पांच युवकों को हिरासत में लिया है। भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों के द्वारा धारसी खुजराहा नेशनल हाईवे के लोहारी टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के सभी सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र के टोल प्लाजा पर प्रदर्शन करने के लिए कहा गया है, जिसमें बताया गया है कि किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव यदुवीर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया है, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के सभी सदस्यों के द्वारा पूरे देश में एक साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। तो वहीं लोहारी टोल प्लाजा पर जिला अध्यक्ष कमलेश लमनदार के नेतृत्व में किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, साथ ही राष्ट्रीय महासचिव के रिहा हो जाने पर आंदोलन समाप्त कर दिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान किसानों के प्रदर्शन को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल टोल प्लाजा पर पहुंच गए, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।